श्रद्धालु इतनी सुंदर पुष्पमालाओं के बीच में जय श्री राम का उल्लेख किया, इतनी बढ़िया सजावट मंदिरों में की है, आप सबको मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 500 साल से चली आ रही गुलामी की लड़ाई को सनातन धर्म की जीत के रूप में मात्र 2 साल में भव्य मंदिर बना दिया है। ये हमारे देश के नेताओं की इच्छा शक्ति के कारण हुआ है। हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारा घर अच्छा हो, लेकिन हर गांव में राम मंदिर और राम के हनुमान के बड़े बड़े मंदिर हैं, राम दरबार यहाँ विराजमान है, लेकिन भगवान राम टेंट में रह रहे थे। एक ऐसे गुलामी के गुम्बद में रह रहे थे जहाँ हमें जाने में शर्म लगती थी। मुझे लगता है कि सतना जिले का हथुआ एक बड़ा प्रबुद्ध जनों का, शिक्षित लोगों का बड़ा नाम है। यहाँ के लोग भी कार सेवा में गए होंगे 1990 में और 1992 में गए होंगे, निश्चित गए होंगे, मुझे पता है, क्योंकि उस समय में इसी सतना जिले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री था और मेरी ड्यूटी चित्रकूट के रामघाट पे सब कार चालक जो आ रहे थे दक्षिण भारत से उनको भोजन बनाने की व्यवस्था में थी। बाद में मैं वाणिज्य महाविद्यालय में प्रोफेसर रहा, वहाँ राजनीतिक विज्ञान पढ़ाई। ये विजय द्विवेदी हमारे छात्र भी रहे, अनेक लोग यहाँ के रहे, एनसीसी अफसर रहा, बहुत सारे हमसे जुड़े रहे। बाद में पार्टी ने काम किया तो हम दिल्ली चले गए। तो जैसा रमेश भैया बता रहे हैं कि मैं अब कबक भाजपा मुख्यालय में काम पर रहता हूँ, ये बात सही है, लेकिन मैं सपना वालों के दिल में रहता हूँ, क्योंकि हमारा घर यही सर्किट हाउस के पास पवरलावा में बना हुआ है। और 1990 के बाद पैदा होने वाले लोगों को तो पता ही नहीं होता कौन कहाँ का है, पुराने लोग हिसाब जोड़ते हैं। तो मैं आपके बीच का अपना भाई हूँ, आपका टीचर हूँ और आपका जो है सेवक हूँ। हमारी संस्था पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के लोग शायद कल परसों भी आए होंगे, पहले भी आए। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हैं और अभी तक हमने सत्ता में 26 बड़े हेल्थ कैंप लगाए। हमारे मन में रहता है कि मैं मोदी जी और बड़े दिल्ली में रहता हूँ तो उनके संपर्क के लोगों का सत्ता में कैसे लाभ हो। सरस्वती स्कूल कृष्णनगर में अभी पिछली 6-7 तारीख को हमने कैंप लगाया था कैंसर का, उसके पर्चे भी यहाँ भिजवाए थे, यहाँ के लोग भी वहाँ इलाज कराने आए, नागवन में भी आए। उसमें से आपको बता दूं तंबाकू गुटखा खाने वाले 300 लोगों को कैंसर निकला है। कितने लोगों को? आप सोच लो, जिसके घर में एक आदमी को बीमारी आ जाए पूरा परिवार बर्बाद हो जाए। जुलाई महीने में हमने वेदांता अस्पताल गुड़गांव का बहुत बड़ा अस्पताल है उसकी टीम आई थी, एक मेमोग्राफी टेस्ट होता है महिलाओं में कैंसर का, 80 महिलाओं को कैंसर निकला ब्रेस्ट का। सोचो कितनी भयानक स्थिति है। तो भाइयों बहनों, मैं एक ही अभियान चलाता हूँ कि तंबाकू मत खाइए, तंबाकू जहर है। केवल तंबाकू नहीं, अगर हम रात में लौंग दबा के भी सोते हैं ना तो खिस्ते खिस्ते वो घाव बनाती है, वो भी कैंसर की तरफ जाता है। डॉक्टर समझाता रहता कान में दर्द है, थोड़ा और डोज बढ़ा लो। और हम देख रहे हैं सतना जिले का पानी भी बहुत खराब है, कैल्शियम है, माताओं बहनों को जो यूट्रस का कैंसर हो रहा है उसका ये भी कारण है। जितने लोगों के ऑपरेशन से बच्चे होते हैं उनको 50 साल की उम्र के बाद कैंसर की संभावना 90% होती है। हमने अभी उसी जांच में 300 लोगों को कैंसर निकला। अब फिर हम गाँव में घूमे तो देखे कई लोग सुनाई दे तो बोले भैया कैंसर का कैंप लगाए, हमारी लिए क्या हमें तुम्हारे लिए कान की मशीन मिलेगी। तो अपने नागौर में आने वाली कितनी तारीख को, 30 तारीख को, 30 जनवरी को नागौर में कैंप लगने वाला है। जितनी बुजुर्ग माताएं बहने छोटे लोग भी कम सुनाई देता, बच्चों को भी कम सुनाई देता, उनके लिए पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के द्वारा एक कैंप लगाया जाएगा। उसमें जो मशीन है देखो सबको नहीं मिलेगी, इस आशा में बताना, जिसको मिलेगी वो 7-7.5 हजार रुपए की मशीन, चश्मे मिलेंगे, ऑपरेशन की जरूरत होगी कहीं से पास बैठ के चित्रकूट भेजेंगे, उनके ऑपरेशन
और वो जो है फिर से वापस नागौर तक छोड़ेंगे। ये सब हमारी संस्था काम करती है और माताओं बहनों हमें लगता है सबके घर किसानी होती है। एक छोटी सी बात कहनी है, हम सब भोजन अन्न मुश्किल में पैदा करते हैं और हम देखते हैं आज भंडारे हो रहे थे कई जगह, नई बस्ती चार मंदिर में भंडारे में गए, ऐसी पूरी फीकी पड़ी, ऐसी सब्जी पड़ी, बूंदी पड़ी, लोग छोड़ देते थाली में, हमें बड़ा कष्ट होता क्योंकि हम एक अभियान चलाए उतना ही लें थाली में व्यर्थ न जाए नाली में, तो नारा तो अच्छा लगता है लेकिन देखिए हमने सब्जी पे हम झूठी पुलिटी चेक करते हैं कि भाई कितने लोग छोड़ रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी पूड़ी बनाते भंडारे के नाम पे और पिटिया है उसको दो पानी खत्ती फेंक देते, इसका पाप परसने वाले को लगता है। आप सब आज संकल्प लो, मैं अभी एक अन्नपूर्णा माता की फोटो देता हूँ। अन्नपूर्णा माता जिसके घर में है, जिसकी रसोई में लगी है, उसके घर कोई भूखा नहीं रहेगा, कभी धन कम नहीं होगा। आरबी सिखाए हमारे कि हम किसानों के लिए बीज देते हैं सब्जी उगाने के, जहां हम नहाते धोते वहां चार बीज डाल दो, सौ सौ लौकी होती है, तुरई होती, कुबड़े होते हैं। ऐसे सब काम करने के लिए हम आज आपके बीच में आए थे, आपके बीच में बार बार आते रहेंगे। हर जगह में हमारी रिश्तेदारी है, ये हमारी रिश्तेदारी है दूर के क्या नजदीक के, जिस संबंध मिल जाए वो नजदीक क्या, और आज से नहीं है 35 साल से है। हमारी मौसी की नाते ने इनको भिजाई है, जानते होंगे शायद लोग, नहीं है संध्या के नाम से जानते, वो हमारी भतीजी है गुलगंज की। कहने का तात्पर्य है कि हम सब आपस में कहीं ना कहीं रिश्ते नाते में जुड़े हैं, हम आपके बीच के हैं, हमारा पूरा ऑफिस यहाँ चलता है और ऑफिस पर नहीं चलता है, वहाँ कोई भी मददगार देश भर में कहीं किसी चीज की जरूरत के लिए हो तो हम उसकी मदद के लिए खड़े रहते हैं, उसके उदाहरण विजय देवी साक्षात खड़े हैं।